अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ, हम आपके चैप्टर नंबर 12th है, पार्ट 2 जो है स्टार्ट करने वाला है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम इंटरनेट, इसके कंप्यूटर एथिक्स और क्राइम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कंप्यूटर एथिक्स और क्राइम सिक्योरिटी के बारे में तो हमने कुछ पार्ट्स हमने पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर पिरेसी। सॉफ्टवेयर पिरेसी आल्सो नोन एज कॉपीराइट वायलेशंस रिफर टू द लीगल कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल कॉपीराइट सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग ऑफ फॉर इट। सॉफ्टवेयर पिरेसी को हम कॉपीराइट वायलेशन से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं रिफर द लीगल कॉपी। जैसे कि आप कोई चीज़ इलीगली कॉपी करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कमर्शियल कॉपीराइट सॉफ्टवेयर बगैर किसी चीज़ का पे किए, ठीक है। इट हैज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड काजेज ह्यूज फाइनेंशियल लॉस टू द सॉफ्टवेयर कंपनीज। इससे क्या हो जाते हैं, इसकी इकोनॉमी पे काजिश पड़ जाते हैं और फाइनेंशियली ये क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज को बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। सेंस इट इज़ ए वेरी सिंपल टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर, पीपल डू नॉट रियलाइज दिस। लोगों को नहीं पता है कि सिंपली जब कोई कॉपी करते हैं या इस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी बगैर किसी के परमिशन के, बगैर इलीगली जब आप काम करते हो तो इससे क्या हो जाते हैं, इकोनॉमी लॉस हो जाते हैं और फाइनेंशियल भी लॉस हो जाते हैं और सॉफ्टवेयर कंपनीज को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दे थिंक्स देयर इज नो कंटेबल्स लॉस रेगुलेशंस इन द एक्ट ऑफ पिरेसी। वो सोचते हैं, लोग सोचते हैं यहाँ इससे तो कोई लॉस नहीं होगा या कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये इलीगली जब काम करते हैं तो कॉपीराइट्स करते हैं तो इससे भी क्या हो जाते हैं, बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ते हैं कंपनी को। एज सॉफ्टवेयर पिरेसी इज लीगल इलीगल, सॉफ्टवेयर पिरेसी इलीगल, यू शुड नॉट डाउनलोड आवर यूज प्रायरेटेड सॉफ्टवेयर। हमें कोई जो प्रायरेटेड सॉफ्टवेयर है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए या डाउनलोड नहीं करना चाहिए। देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर पिरेसी, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर पिरेसीज है। हार्ड डिस्क लोडिंग, मैनी ए टाइम्स पीपल सेल न्यू कंप्यूटर्स विद पिरेटेड सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। बहुत टाइम्स में बहुत सारे लोगों ने सेल्स किया होता है बगैर किसी पिरेटेड्स के सॉफ्टवेयर के, ऑलरेडी जो उसमें इंस्टॉल किया होता है फिर भी लोग जो है यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। जनरली द बायर डज नॉट रिसीव मैनुअल लाइसेंस एग्रीमेंट्स और इवन द सीडी रोम्स कंटेनिंग और द ओरिजिनल प्रोग्राम्स। जैसे कि क्या करते हैं, आपको एक एग्जांपल इन्होंने बताया है, कुछ चीज़ें पे किए बगैर, लाइसेंस के बगैर, ठीक है, लोग जो है वो कुछ चीज़ें चलाते हैं तो उससे भी नुकसान हो जाते हैं। जैसे कि सीडी रोम्स बग़ैर चेक किए, बग़ैर ये क्या है क्या नहीं है बग़ैर चेक किए ये लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करते हैं। इलीगल इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन, सम वेबसाइट्स प्रोवाइड फ्री डाउनलोड ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। कुछ वेबसाइट्स क्या करते हैं, हमें कॉपीराइट्स डाउनलोड जो फ्री जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया होता है तो लोग सोचते हैं ये तो फ्री है मैं इसे डाउनलोड करती हूँ, तो ये सोचते हैं कि अगर डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर इसे डाउनलोड करेगा तो इसको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा या कंपनी का कितना लॉस हो रहा होगा। सच इलीगल सॉफ्टवेयर इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ वायरस, इन सॉफ्टवेयर्स को जब आप इलीगली यूज़ करोगे तो आपके कंप्यूटर में भी आपको ही भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, ठीक है। तो हमें जब भी कंप्यूटर को यूज़ करना है, जब भी इंटरनेट यूज़ करना है, सोच समझ के जो आपको पता होगा उनको यूज़ करना है, जो नहीं पता होगा, जो अननोन रिसोर्सेज होगा आपकी यूजेस के नहीं होगा तो उनको, उन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। जितना आपको यूज़फुल होगा, जितना आपको यूज़ करना है उतना ही यूज़ करना है, ज़्यादा एक्सेस जो है वो यूज़ नहीं करना है। यूजिंग पर्सनल सॉफ्टवेयर फॉर कमर्शियल पर्पस,
जैसे कि अपनी कमर्शियल पर्पस के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर जो है जब यूज़ करते हो, मेनी प्रोग्राम्स आर फ्री फॉर पर्सनल यूज़ बट रिक्वायर्स ए लाइसेंस फॉर कमर्शियल यूजेस। कुछ जिन प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं फ्री में, पर्सनली जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी एक कुछ लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, कमर्शियल यूजेस के लिए। देयर आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पायरेसी के कुछ टाइप्स है। इंटरनेट पायरेसी रिफर्स टू लीगल डाउनलोड ऑफ कॉपीज ऑन द इंटरनेट। हमें जो इलीगल्स जिन चीज़ से इंटरनेट से हम जब डाउनलोड करते हैं या कॉपी करते हैं। एंड यूजर पायरेसी रिफर टू कॉपी सॉफ्टवेयर विदाउट ए वैलिड लाइसेंस। लाइसेंस के बगैर क्या करते हैं, ये कॉपी करते हैं। प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पायरेसी रिफर टू इनवैलिड इंस्टॉलेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरर्स। क्या करते हैं, जो इनवैलिड हो चीज़ें हैं उनको भी ये इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर पे और अलग अलग सिस्टम्स पे, ठीक है। ऑनलाइन एक्शन पायरेसी रिफर टू सेल्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ नॉट ऑथराइज फॉर रिलीज। ये बगैर इन चीज़ों के, सेल्स के बगैर जो अनऑथराइज चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हैं। पिरेटेड सॉफ्टवेयर डू नॉट कंटेन वारंटी एंड यूजुअली कंटेन वेरियस दैट हार्म आवर कंप्यूटर सिस्टम्स। जिससे इसका कोई, इस सॉफ्टवेयर का कोई वारंटी नहीं होता है, जब आप इसे यूज़ करते हैं तो इस ये आपके कंप्यूटर पे जो जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, आपकी कंप्यूटर में वायरस जो पैदा जो कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्राइम, क्राइम क्राइम आप सबको पता है, क्राइम नाम से पता चल जाता है जब आप कोई क्राइम करते हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का भी क्राइम होता है। क्राइम्स आर एसोसिएटेड विथ ऑल फील्ड्स एंड प्लेस। क्राइम जो हो हर फील्ड्स में हर जगह पे होता है। इन द सेम वे कंप्यूटर्स आर आल्सो इफेक्टेड बाय क्राइम्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम लीगल इलीगल यूज़ ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से, सेम तरीके से कंप्यूटर में भी ये क्राइम जो है उस पर इफेक्ट डालते हैं उनके रिजल्ट्स पे। इलीगली जब आप यूज़ कर, इलीगल चीज़ों को जब आप यूज़ करते हैं, इलीगल डाटा जब आप शेयर करते हैं, इलीगल इलीगल इंफॉर्मेशन जब आप वहाँ से कलेक्ट करते हैं। हैकर्स, क्रैकर्स, वायरस प्रोग्रामर्स आर सम ऑफ द नेम्स गिवन टू पीपल हु आर इन द वर्क ऑफ डैमेजिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी। जैसे कि हैकर्स, क्रैकर्स, वायरस वगैरह आप सबको पता है, ये नाम जो है ठीक है सबको पता है लोगों को। ये लोग क्या करते हैं, जो भी इन पे काम करते हैं, इनके काम करके हैक करके हमारे कंप्यूटर्स की सिक्योरिटीज को डैमेज करते हैं। जैसे कि आपकी कंप्यूटर्स के सिक्योरिटी पासवर्ड को हैक कर लिया या अकाउंट को हैक कर लिया, ठीक है। तो उस ए हैकर्स ब्रेक्स इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम्स टू गेट इनवैलिड एक्सपोजर्स ऑफ कॉन्फिडेंटली डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हैकर्स क्या करते हैं, आपके जो कंप्यूटर में डाटास मौजूद है या इंफॉर्मेशन मौजूद है तो उन सबको हैक कर लेते हैं। ए क्रैकर्स इज ए पर्सन हु ब्रेक इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम टू यूज पासवर्ड फाइल्स और प्रोग्राम्स इलीगली। क्रैकर्स क्या है, क्रैकर्स वो पर्सन है जो कि आपके कंप्यूटर्स को ब्रेक्स करते हैं, सिस्टम्स के जो पासवर्ड्स हैं उनको, फाइल्स को, प्रोग्राम्स को इलीगली ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पीपल्स मे सील इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑफ एनी काइंड ऑफ द सेक ऑफ मेकिंग मनी। ये लोग इलीगली ये काम जो है वो किस चीज़ के लिए करते हैं, इम्पोर्टेंट जो आपकी इंफॉर्मेशंस हैं उनको लेके के क्या करते हैं, बेचते हैं, बेच के क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। दिस पीपल्स काजेस डैमेज ऑफ द सोसाइटी। ये लोग क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी को भी डैमेज करते हैं। कंप्यूटर क्राइम कैन बी डिफाइन ए क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इससे भी ये यहाँ पर डिफाइन किया है कंप्यूटर क्राइम को, ठीक है। इलीगल एसेस, अनऑथराइज एसेस यूजेस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इलीगल ट्रांसमिशंस, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करना विथ ए कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ।
अनऑथराइज डिलीटेशंस ऑफ डाटा, जो अनऑथराइज जो चीज़ें हैं उनको डाटा को डिलीट कर देना। इंटरफेयरिंग विद फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, इंटरफेयर कर देते हैं उनके फंक्शंस को। मिसयूज ऑफ डिवाइसेस, मिसयूजेस ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस को क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। ठीक है, तो आज के हमारा टॉपिक यही तक, कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।